Hello everyone, this is Shalini and now we would read our lesson further. Previously we have read about clinical thermometer and now we will read our new topic which is laboratory thermometer. Okay? How do we measure the temperature of other object? Ab body ka temperature to measure karne ke liye hame clinical thermometer hai. किसी और ऑब्जेक्ट का अगर हमें मेजर करना है टेम्परेचर तो क्या है, तो उस चीज़ के लिए हमारे पास फॉर दिस पर्पस देर आर अदर थर्मोमीटर, कुछ अलग थर्मोमीटर होते हैं. वन सच थर्मोमीटर इज़ नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और एक उसी तरह का जो थर्मोमीटर है उसको क्या नाम दे दिया गया, लेबोरेटरी थर्मोमीटर. द टीचर विल शो यू द थर्मोमीटर. Look at it carefully and note the highest and lowest temperature it can measure. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फिगर में आपको दिखाया गया है ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है. ये वाला आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर है. तो इसमें क्या होता है, द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. तो आपको ये दोनों ही चीज़ें याद रखनी है कि जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें कितनी रेंज होती है और जो हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसमें कितनी रेंज है फ्रॉम -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस. ऑल्सो एज यू डिड इन केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीजन ऑन थर्मोमीटर रीड्स. तो इसमें भी आपको क्या है, स्मॉल रीडिंग देखनी है इंडिविजुअल लार्ज रीडिंग के बीच में. यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड थर्मोमीटर करेक्टली, और उससे क्या होगा, हम थर्मोमीटर की रीडिंग करेक्टली से पढ़ सकेंगे. लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज. अब हम देखते हैं इस थर्मोमीटर को कैसे यूज किया जाता है. तो इसके लिए हमें रीड करनी है एक्टिविटी 4.4. टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच बॉटम और साइड्स ऑफ द कंटेनर. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि आपको टैप वाटर कलेक्ट करना है किसी बीकर में या मग में, और उसमें आपको डाल देना है ये क्लिनिकल सॉरी लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और आपको इस तरह से डालना है जो इसका बल्ब है वो वाटर में डिप हो जाए बट टच ना हो बिल्कुल बॉटम के साथ और साइड ऑफ मग के साथ. होल्ड थर्मोमीटर वर्टिकली, और आपको थर्मोमीटर बिल्कुल वर्टिकली, वर्टिकली मीन्स स्ट्रेट पकड़ना है. ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्करी इन थर्मोमीटर, और उसके बाद अगेन जैसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर में चेक करते हैं वैसे इसी में हमें चेक करनी है मर्करी की मूवमेंट. वेट टिल मर्करी थ्रेड बिकम स्टेडी, और तब तक देखो जब तक मर्करी का जो थ्रेड है वो स्टेडी मतलब एक जगह रुक ना जाए. ठीक है, जैसे इस फिगर में 4.5 में देखो कैसे उसको पकड़ा गया है यहाँ पर. ठीक है, नोट द रीडिंग, दिस इज टेम्परेचर ऑफ द वाटर, और इस रीडिंग को नोट करो तो ये क्या आ गया, टेम्परेचर ऑफ वाटर. कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास. तो फिर क्लास के सारे स्टूडेंट्स ने इनको कंपेयर करना है. Now, Bujo now understand why clinical thermometer cannot be used to measure high temperature, but still wonder whether a laboratory thermometer can be used to measure his body temperature. तो यहाँ पर प्रिकॉशन जो हम रीड कर लेते हैं, प्रिकॉशंस to be taken while reading clinical thermometer. It should be kept upright, not tilted. Bulb should be surrounded from all sides by substance of which temperature is to be measured. The bulb should not touch the surface of the container. ये आपको पहले बता दिया कि जो थर्मोमीटर है वो बिल्कुल अपराइट वर्टिकल पकड़ना है, और उसके बाद जो बल्ब है वो इमर्स होना चाहिए और साइड से या कंटेनर के बॉटम से वो ना टच करे. आर देर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, डिस्कस पॉसिबल रीजन एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. टेक सम हॉट वाटर, अब नेक्स्ट हम एक्टिविटी 4.5 पढ़ते हैं. टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, वेट टिल मर्करी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर. नाउ टेक आउट थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, ऑब्जर्व केयरफुली वट हैपन्स. नाउ डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ द वाटर द लेवल ऑफ मर्करी बिगिन्स टू फॉल. दिस मीन्स दैट टेम्परेचर मस्ट बी
रेड वाइल थर्मोमीटर इज इन द वाटर। अब एक्टिविटी 4.5 में क्या बताया गया है कि अगर हम हॉट वाटर ले रहे हैं और उसमें हमने क्या किया, अपना लेबोरेटरी थर्मोमीटर ऐड कर दिया, डाल दिया, तो उसमें क्या होगा, जो मकरी थ्रेड है वो राइज करेगा, बट जैसे ही हम उसको बाहर निकालते हैं रीडिंग लेने के लिए, तो वो मकरी क्या ड्रॉप कर जाएगी, वो नीचे की तरफ उतर जाएगी, बल्ब की तरफ को पहुंचेगी। तो इसका क्या मतलब है, उस टाइम तो फिर वो उसकी जो मकरी है वो फॉल कर रही है, तो वो टेम्परेचर तो करेक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब है हमें टेम्परेचर तभी लेना है जब हमने अपना थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर बीकर में ही डाला है, ठीक है। बाहर निकाल देंगे तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक थर्मोमीटर आउट ऑफ द माउथ टू नोट रीडिंग, कैन यू देन यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर। अब देखो जब हम अपना टेम्परेचर लेते हैं, बॉडी का टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर से, तो हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर को मुंह से बाहर निकालते हैं। तो क्या हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ कर सकते हैं टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट। तो इसका आंसर क्या है, बिल्कुल नहीं टू यूज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज, ठीक है। वाई डज मकरी नॉट फॉल और राइज इन क्लिनिकल थर्मोमीटर वेन टेकन आउट ऑफ द माउथ? So observe a clinical thermometer again. Do you see a kink near the bulb? What is the use of kink? It prevents the level of mercury falling on its own. अब यहाँ पर क्या होता है, थर्मोमीटर में एक kink present होती है, ये तो ये क्या करती है, clinical thermometer को mercury को वापस नीचे उतरने से रोकती है, ठीक है। जो कि हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं प्रेजेंट होती है। तो इसलिए जब हम टेम्परेचर देखते हैं बॉडी का, तो हमें वो माउथ से बाहर निकालना पड़ता है थर्मोमीटर और रीड करना पड़ता है टेम्परेचर। सो देयर इज़ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मकरी थर्मोमीटर। मकरी इज़ टॉक्सिक सब्सटेंस। अब जो मकरी होती है वो टॉक्सिक होती है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ मकरी ब्रेक्स, थर्मोमीटर ब्रेक्स। These days digital thermometer are available which do not use mercury. तो आजकल क्या है, डिजिटल थर्मोमीटर्स भी यूज़ किए जाते हैं जिसमें मकरी नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक रीड करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अभी तक हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा, अब हम देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता कैसे है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। अब आपने देखा होगा जब फ्राइंग पैन को हम गैस पे रखते हैं, फ्लेम पे रखते हैं, तो वो गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज हीट पासिस फ्रॉम फ्लेम टू यूटेंसिल। और ये होता क्यों है, क्योंकि जो हीट है वो पास कर रही है फ्लेम से यूटेंसिल को। व्हेन पैन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम फायर इट स्लोली कूल्स डाउन। और जब पैन को रिमूव कर दिया जाता है फायर से, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। व्हाई डज इट कूल डाउन, तो उस टाइम वो ठंडा क्यों हो रहा है। द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम पैन टू सराउंडिंग। वो इसलिए होता है क्योंकि उस समय क्या हो रहा है, जो पैन की हीट है वो पैन से सराउंडिंग की तरफ को जाती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ द केसेज दैट हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमने क्या देखा कि हीट कैसे मूव कर रही है दोनों केसेस में, हॉट से कोल्डर ऑब्जेक्ट को, ठीक है। पहले हमने पैन फ्लेम के ऊपर रखा, तो फ्लेम क्या वहाँ से हीट आई और वो उस टाइम पैन ठंडा था, तो वो हॉट से कोल्ड की तरफ मूव की। और जब हमने हॉट पैन को उतार दिया, तो उसके बाद वो फिर से ठंडा हो जाएगा, क्यों, उस टाइम पैन गर्म है और जो हमारी सराउंडिंग है वो ठंडी है। तो यानी कि हॉटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है हीट, ठीक है जी। पहली आस, डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज सेम? तो इन ऑल द केसेस फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो हर एक केस में हीट फ्लो कैसे करती है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट को। हाउ डज हीट फ्लो, अब नेक्स्ट है कि हीट फ्लो कैसे करती है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो इसके लिए हम एक्टिविटी 4.6 देखते हैं। टेक अ रॉड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल से ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ आयरन। हमें क्या लेनी है, एक रॉड लेनी है या स्ट्रिप लेनी है मेटल की, एल्यूमिनियम या आयरन से बनी हुई। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रॉड। अब क्या फिक्स करना है, स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द
rod. These pieces should be at nearly equal distance. और ये pieces कैसे होने चाहिए? Equal distances पर होने चाहिए. Clamp the rod to stand. अब उसके बाद हमें क्या करना है? Rod को clamp करना है ताकि वो stand कर जाए. If you do not find a stand, you can put one end of rod in between bricks. और अगर आपको stand ना मिले तो आप क्या कर सकते हैं? Brick जो आपकी rod है उसका one end bricks के बीच में, ईंटों के बीच में दबा सकते हैं. Now heat the other end of rod and observe. अब क्या करना है आपको? Heat करना है other end of rod और उसके बाद उसको observe करना है. So what happened to the wax? तो आप देखोगे कि wax क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो पिघल रही है. Do these pieces begin to fall? तो हाँ. Which piece falls first? Do you think heat is transferred from the end nearest to the flame to other end? तो जहाँ पर हमने कैंडल रखी है वहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रही है एक एक करके, जहाँ जहाँ पर वैक्स के पॉइंट्स लगाए गए हैं, ठीक है. और वैसे वैसे वो वैक्स क्या होगी, मेल्ट करती जाएगी. और इस प्रोसेस को क्या बोल दिया जाता है? दिस प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज कंडक्शन. इसको कंडक्शन कहा जाता है, ठीक है. तो इन सॉलिड जनरली the heat is transferred by the process of conduction. तो जो solid आपके substances होते हैं वहाँ पर heat कैसे transfer होती है? वहाँ पर हमारी heat transfer होती है conduction के through, ठीक है. किस में? Solid में, ठीक है. Do all substances conduct heat easily? ये सारे के सारे substances conduct करते हैं heat easily? You must have observed that a metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? ठीक है. तो आपने देखा होगा कि जितने भी cooking utensils होते हैं, pan है या कोई भी और चीज़ है, तो वो उनकी जो हैंडल होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं प्लास्टिक से या वुडन होते हैं, ठीक है, ताकि अगर वो गर्म है और अगर हम उनको उठा रहे हैं तो हमें हर्ट ना हो. अब नेक्स्ट हम रीड करते हैं एक्टिविटी 4.7. तो इसमें क्या करना है? हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर और कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील स्पून प्लास्टिक स्केल पेंसिल एंड डिवाइडर. नाउ डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज इनटू हॉट वाटर. क्या करना है? पानी गर्म करना है और हमें कुछ आर्टिकल्स कलेक्ट करने हैं, जैसे कि स्पून ले लेना है, उसके बाद प्लास्टिक का स्केल, फिर पेंसिल और डिवाइडर. अब इनका एक हिस्सा हमें उस वाटर में डिप करना है. वेट फॉर फ्यू मिनट, टच द अदर एंड एंड एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3. The material which allow heat to pass through them easily are called conductors. वो material जो allow करते हैं heat को pass होना खुद से, उनको क्या बोला जाता है? Conductor कहा जाता है. जैसे कि aluminium है, iron है, copper है, ये सारे आ जाते हैं आपके conductors. And the material which do not allow, कुछ material हैं जो नहीं allow करते हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे कि प्लास्टिक हो गया और वुड हो गई. सो पुअर कंडक्टर्स को क्या बोला जाता है? उनको इंसुलेटर कहा जाता है, ठीक है. तो इन दोनों डेफिनेशंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट, द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो जो वाटर है और जो एयर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. देन हाउ डज हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस, ठीक है. तो ये हम एक्टिविटी 4.8, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. पहले आपको ये अंडरस्टैंड कर लेना है. ओके, थैंक यू.